Good morning, students. Today we'll study something more about addition and subtraction of fractions. आज हम word problems discuss करेंगे, मतलब जो daily life problems हैं जो हम face करते हैं, जहाँ पे हमें addition और subtraction fractions का करना पड़ता है. आपकी textbook के exercise 7.6 का question number 2 है. Sarita bought 2 by 5 meter of ribbon and Lalita bought 3 by 5 meter of ribbon. What is the total length of ribbon? That means length of ribbon bought by Sarita is 2 by 5 meters. And length of ribbon bought by Lalita is 3 by 4 meters. अब total length का मतलब क्या हुआ? इन दोनों की lengths को हमें क्या करना है? Add करना है. तो 2 by 5 plus 3 by 4. दोनों ही meters में है, तो unit हो गया meters. अब ये देखिए, ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. एलसीएम आया 5 × 4, दैट इज 20. नाउ 2 न्यूमरेटर तो ऐसे आएगा ही, 5 में क्या मल्टीप्लाई किया कि ये आया डिनोमिनेटर 4 प्लस 3 इनटू, यहां डिनोमिनेटर 4 है, इस 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये डिनोमिनेटर मिलेगा एलसीएम वाला 5. सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट 8 + 15 / 20 meters, suppose meters mein, this gives you what is 8 plus 20, that is 23 by 20 meters. Aur isse agar hum mixed fraction mein karenge to kitna ho jayega? 1 by 20 meters. This will be the total length of ribbon bought by the two girls, that is Sarita and Lalita. ये आपको खुद decide करना है कि हमें add करना है या subtract करना है. That is your decision. और ये तभी आएगा जब आप बार-बार practice करेंगे. Now coming to the next part, that is third question. Naina was given 1.5 piece of cake. Naina को 1.5 piece cake का मिला. और नजमा को कितना मिला? 1/3 piece of cake. दोनों mixed fractions दिए हैं. What is the total amount of cake given to them? अब इनका total cake बताना है हमें. तो क्योंकि ये mixed fraction दिया है, तो 1/2 से क्या मिल गया हमें? इसको हम fraction में ले आएंगे तो 2 × 1 = 2 + 1 = 3/2. And 1/3 का मतलब 3 × 3 + 1 यानी कि 4/3. अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. What do you get? LCM is 6. 3 × 2 में क्या मल्टीप्लाई किया? 3 मल्टीप्लाई किया तो 6 आया. 4 न्यूमरेटर ऐसे ही लिखना है. 3 में क्या मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा? 2. This gives you 9 + 8/6. That is 17/6 piece. और क्योंकि mixed fraction में question शुरू हुआ था, तो इसे भी हम mixed fraction में ले आएंगे. 6 से 17 को divide करेंगे तो कितना आएगा? 6 × 2 = 12. तो बचा 5/6. 17 में से 12 जाएगा, कितना आएगा? 5 piece of cake. Hope ye samajh mein aaya aapko. Then question number 4 ke ek do parts hum discuss karte hain, baki to aap apne aap kar hi lenge. Dekhiye aapko kya diya hua? Ek box diya hai, ye khali hai, fill in the blank hai. Is fill in the blank mein se -5/8 kare, yani ki 5/8 nikale to hame 1/4 milna chahiye. Ye question hai. Ab hum kya karte hain? Yahan else डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है. पहले तो इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेते हैं ताकि हमारा कंपैरिजन इजी हो जाए. तो अब 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 8 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे. तो ऑब्वियस है कि फ्रैक्शन ताकि चेंज ना हो तो हम 2/2 यानी कि न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मींस वी आर जस्ट फाइंडिंग एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द फ्रैक्शन 1/4. 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने निकाल दिया 2/8. अब हमारा क्वेश्चन है, इस बॉक्स में से 5/8 माइनस किया तो 2/8 मिला. हम क्या करते हैं? यहां पर भी हमने एलसीएम 8 रख लिया, तो
न्यूमरेटर क्या आएगा यहाँ पे, जिसमें से कि हम 5 माइनस करें ताकि हमें यहाँ न्यूमरेटर 2 मिल जाए, दैट इज 7. 7 में से हम 5 को माइनस करेंगे तभी तो हमें 2 मिलेगा. तो दैट मीन्स आवर फिल इन द ब्लैंक वॉज 7, और ये जो हमारा डिनोमिनेटर भी था क्योंकि जो इनिशियल बॉक्स था उसमें तो डिनोमिनेटर भी नहीं दिया था. तो 7/8 में से 5/8 को माइनस करेंगे तो हमें 2/8 मिलेगा, दैट इज 1/4. नाउ बी पार्ट, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, बॉक्स दिया हुआ है आपको, इसमें से 1/5 को माइनस किया तो 1/2 मिलना चाहिए. अब यहाँ पे देखिए 5 और 2 में कोई भी टेबल, अगर हम जो छोटा नंबर है 2 उसका टेबल पढ़ेंगे तो 5 तो उसमें आता नहीं है. इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एलसीएम. एलसीएम ऑफ 5 और 2 इज 10. तो अब हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब हम इन दोनों नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे उसको डिनोमिनेटर 10 फॉर्म में ले आए. तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2, तो वो 2 हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए 2/10. सिमिलरली राइट हैंड साइड पे 1/2, 1/2 में 5/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5/10, यानी 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/10. हमें 10 चाहिए ना डिनोमिनेटर, तो हमें बस दोनों तरफ 10 डिनोमिनेटर लाना है. अब आप चाहे तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह सॉल्व करके भी लिख सकते हैं कि कुछ न्यूमरेटर है यहाँ पे x जिसमें से 2 माइनस करें, एलसीएम यहाँ पे हम 10 मान लेते हैं ताकि हमें आंसर 5/10 मिल जाए. या आप यहाँ से इस सवाल को यहाँ से देखकर भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 7/10 में से 2/10 माइनस करेंगे तो हमें 5/10 मिलेगा, दैट मीन्स 2/10 इज नथिंग बट 1/5 एंड 5/10 इज नथिंग बट 1/2 जो कि आपको क्वेश्चन में दिया था. इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे. आई होप आपको ये समझ में आया. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको एक एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, मैजिकल बॉक्स है ये, आपने अपने आप इसको कंप्लीट करना है. ओके, if you find any difficulty, then you can ask me. Thank you.